नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इसके सिंपल फूड में। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ स्प्रिंग ऑनियन यानी हरे प्याज की सब्ज़ी। बहुत आसान है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आइए दोस्तों, आज मैं सिंपल सी एक सब्ज़ी लेकर आई हूँ, हरे प्याज आलू और मटर के साथ। तो ये सर्दियों में ही मिलता है अधिकतर, तो मैंने इसके दोनों हिस्से लिए हैं हरे प्याज का। ये हरे प्याज का हरा वाला हिस्सा और ये सफ़ेद जो पीछे की तरफ होता है। और लिया है धनिया पत्ता, एक टमाटर, एक हरी मिर्च, अदरक। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती इस सब्ज़ी में लहसुन। और ये मैंने दो आलू लिए, थोड़े से मटर। मसालों में लिया है मैंने लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, हींग और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। और मैं बनाती हूँ सरसों तेल में, आप कोई सी भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं और पानी ज़रूरत के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी हींग। और इस टाइम मैं डालूंगी प्याज का सफेद वाला हिस्सा। और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए प्याज हो गया। और अब मैं इसमें डालूंगी मटर और आलू। फिर भी हम एक से दो मिनट भून लेते हैं। तो चलिए मीडियम आंच पे दो से तीन मिनट हो गया भूनते हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं हरे प्याज ऐड करूँगी और अदरक डाला और इसे भी दो से तीन मिनट भून लेंगे। तो ये दो से तीन मिनट हो गया और प्याज भी देखिए हमारा गल के नीचे हो गया। तो अब मैं इसमें एक एक करके सूखे मसाले डालती हूँ, लाल मिर्च, एक चौथाई काली मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, एक से दो चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और अब डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को भून लेंगे मसालों के पकने का। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला भुन गया और तेल किनारे आ गए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और ये मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है। बस ये आपके कुकर के ऊपर और सब्जियों के ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना बना रहे हैं। तो पानी ज़्यादा नहीं दोस्तों। इस टाइम मैं डालूंगी कस्तूरी मेथी और इसको भी मिक्स कर लेंगे थोड़ा। करछी, ये छोटा करछी है मेरा, दो करछी मैंने पानी डाल दिया और दो सीटी आने तक इसे पका लें। चलिए इसे बंद करते हैं और दो सीटी आने का इंतजार करें।
अभी एक सीटी हो चुकी है, अभी दूसरी सीटी आने वाली है, इसके बाद मैं बंद कर दूंगी और गैस को अपने आप ठंडा होने दूंगी कुकर को। गैस ऑफ करती हूँ, कुकर को ठंडा होने देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि बिल्कुल तरी नहीं होनी चाहिए, तो ये हो गई लटपटी से। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता, और ये हमारे आप सर्व के लिए तैयार है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा आलू मटर हरे प्याज के साथ, जिसे आप स्प्रिंग ऑनियन भी कहते हैं, तैयार है। तो आपका भी कोई तरीका है तो मुझे बताइए। तो और मेरे रेसिपी को अपने फ्रेंड दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करिएगा। आपका कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।